बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। काफी दिनों से हेल्थ का इशू था, इसीलिए सामने से वीडियो नहीं आ पा रही थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही मैं आप लोगों को अप टू डेट रख रही थी हर एक न्यूज, हर एक नोटिफिकेशन से। लेकिन आज इम्पोर्टेंट न्यूज और नोटिफिकेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। रीओपन हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की साइट CUET की, तो आप लोगों को एक सेकंड चांस मिला है कि आप लोग फॉर्म फिल कर सके। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है, जो स्टूडेंट बार बार कॉल करके पूछ रहे थे फॉर्म की डेट बंद होने के बाद कि मैम क्या हम एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, CUET में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है कि आप लोग भाई फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, ये जैसे ही हम CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो लास्ट नोटिफिकेशन हमारे सामने यही आता है कि 9 तारीख से आपकी जो CUET एप्लीकेशन फॉर्म की साइट थी वो रीओपन कर दी गई है। ठीक है, 2 दिन के लिए मात्र ओपन हुई है। तो कहने का मतलब ये है जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। चलिए हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड, और जैसे ही आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो अब जैसा कि आपको पता है आज क्या है, 10 अप्रैल है, तो आपके पास 2 दिन का टाइम अब बचता है। 3 दिन के लिए ये साइट ओपन हुई थी, 9, 10, 11। 11 अप्रैल को रात को 11:49 पे ये जो साइट है ये दोबारा से क्लोज हो जाएगी, और ये मान के चलिए लास्ट मौका है। इसके बाद अब आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आप सोचने लगे कि दोबारा हमें मौका मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लास्ट चांस है, वो भी NTA ने काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये जो साइट है ये रीओपन की है, अदरवाइज कोई चांस नहीं था। बिकॉज लगभग कम से कम 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिया था NTA ने एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट को, जो कि एक्स्ट्रा किया गया था आप लोगों के लिए, वो 25 दिन एक्स्ट्रा किया गया था, तो ये बहुत बड़ा टाइम बैठता है। उसमें भी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया या फिर उन्हें जानकारी नहीं थी, किसी कारण नहीं कर पाए थे, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से रीओपन की गई है साइट, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है जी, चलिए। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम CUET 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। आप रात को 11:49 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब देखिए यहाँ पे, दिस अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर ऑल दोस कैंडिडेट हु कुड नॉट कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन अर्लियर एज वेल एज फॉर दोस कैंडिडेट हु वॉन्ट टू अप्लाई एज फ्रेश कैंडिडेट फॉर द CUET UG 2023। जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे वो फ्रेश अब यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं CUET का। सो आप लोगों ने परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी इंस्ट्रक्शन है, उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या है वो इंस्ट्रक्शन। सो ऑल्सो न्यू यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हैव ज्वाइंड CUET UG 2023। मीन टाइम इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द एप्लीकेंट फॉर चूजिंग कोर्सेज प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस न्यूली एडेड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रीओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET UG 2023। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज एनक्लोज्ड एट एनेक्सर 1। जो इसकी वेबसाइट है वहां पे एनेक्सर 1 के अंदर जितने भी न्यू इंस्टीट्यूट कॉलेजेस वगैरह एड हुए हैं वो सब आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने बोला है कि रीओपन किस लिए किया गया, बस इसीलिए किया गया कि जो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं वो अब आके अपना फॉर्म फिल कर ले। बहुत सारी न्यू यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एड हुए हैं, तो आप एक बार वो एनेक्सर 1 में जाके चेक भी जरूर कर ले। द ऑप्शन फॉर चूजिंग मोर सब्जेक्ट टेस्ट कोर्सेज प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स, उसके अलावा ऑटोनोमस कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल ड्यूरिंग द ऑफ सेड पीरियड टू द कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड 10 सब्जेक्ट टेस्ट कैन ऑल्सो रिप्लेस रिमूव देयर अर्लियर चूजन सब्जेक्ट टेस्ट इन दिस ड्यूरेशन। हाउएवर एन एडिशनल फी इफ एप्लीकेबल फॉर सेलेक्टिंग मोर सब्जेक्ट टेस्ट विल बी पेड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट मे नोट दैट द फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। देखिए, लास्ट ईयर 2022 में
जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां पे ये था कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट ने कट करना है, कोई सेक्शन कट करना है, तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सीयूईटी ने इंस्ट्रक्शंस हमें दिया था, लेकिन उसके बाद जब बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट्स या सेक्शंस कट किए तो उनके अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं हुआ मोस्टली केसेस में। तो बच्चों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट, शिकायत गई सीयूईटी एनटीए के पास, तो इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया है पहले ही कि अगर आप कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हो, कोई करेक्शन करना चाहते हो, और जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सके हैं, कर चुके हैं, वो लोग अपनी डिटेल्स में तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट में, सब्जेक्ट्स में, इन सारी चीजों में चेंजेस कर सकते हो। ये एनटीए ने क्लियर कर दिया है, सीयूईटी ने क्लियर कर दिया है, राइट। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप कोई सेक्शन ऐड कर रहे हो तो उसका फीस आपको पेड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई सेक्शन कट कर रहे हो तो उसका कोई भी पैसा आपको रिफंड नहीं होगा, पहले ही क्लियर कर दिया गया है, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। काफी अच्छा है ये नोटिफिकेशन, सबके पास ये आपने शेयर करना है। और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि भाई सीयूईटी के थ्रू अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो, फार्मेसी का कोई भी कोर्स करना चाहते हो, सारे कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो। सारी वीडियोज मेरी बनी है कि अपने फार्मेसी के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसी वीडियो को देख के आपने फॉर्म ने फिल करना है, तो आपका पैसा भी फालतू व्यर्थ नहीं होगा और आप लोग बिल्कुल सही और सटीक कोर्सेज और उसके अंदर आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर पाएंगे, राइट। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सब लोग इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने स्टेटस पे शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सीयूईटी और बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम या फिर फार्मेसी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हो, फार्म डी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीजें, और बी फार्मा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है, जो कि आपके लिए मात्र मिल रहे हैं 199 रुपए में, जिनमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी टेस्ट सीरीज दोनों अब अवेलेबल हो गई हैं। अभी तक इंग्लिश की टेस्ट सीरीज थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे कंप्लीट हिंदी की टेस्ट सीरीज भी अब अवेलेबल है। ऐप पे जाके विजिट करें, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लाइव क्लास होती है, ये एडिशनल है, ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसमें आपको मिलेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको अपनी स्टडी में एक बूस्ट लाने के लिए। सो अभी जाइए, विजिट कीजिए, ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मात्र 199 रुपए में इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो ये फ्री के बराबर ही है। जाके विजिट करें, कोर्स में ज्वाइन नहीं किया हो तो कोर्स में जाके ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।